दोस्तों नमस्कार, कानूनी बात बताने वाले मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय, क्या वसीयत बनाते समय मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है? अब बहुत बार ये मन में आता है, मैं इच्छा पत्र बनाने जा रहा हूं, वसीयत बनाने जा रहा हूं, तो भाई कई लोग बोलते कि भाई मेडिकल सर्टिफिकेट उसकी जरूरी है, तो ये क्यों है ये पहले हम लोग समझ लेंगे। पहली बात है कि भाई एक डॉक्टर ही ये बता सकता है कि जो व्यक्ति अपना वसीयत बना रहा है वो उसके लिए बनाने के लिए योग्य है कि नहीं, यानी मानसिक सक्षम है कि नहीं, और वो जीवित है कि नहीं, वो होश में है कि नहीं। इसलिए वसीयत के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट आवश्यक होता है। अब वसीयत एक दस्तावेज है कि जिसके द्वारा वसीयत करता अपनी मृत्यु के बाद अपनी संपत्तियों का निपटान कैसे हो इसकी इच्छा व्यक्त करते हैं। यह अपनी संपत्तियों के संबंध में वसीयत बताने वाला व्यक्ति अपना इरादा की घोषणा करता है और वो मृत्यु के बाद उसको लागू करना चाहता है। अब वसीयत बनाने के लिए वसीयत करता की आयु कम से कम 18 तो चाहिए और उसका दिमाग ठीक होना चाहिए। अब दिमाग ठीक है कौन बोलेगा भाई, डॉक्टर ही तो बोलेगा। अब वसीयत करता की मृत्यु पर उसकी संपत्ति का निपटान के लिए वसीयत में निर्देश होता है। अब वसीयत वो बताने समय बहुत बार ये होता है, अगर किसी ने उंगली दिखाई भाई डॉक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, इसके ऊपर किसी का प्रभाव है भाई, ये बल का प्रयोग किया है, ये सक्षम नहीं था, मानसिक दृष्टिया विकलांग था, तो यह अड़चन हो सकती। कानून के तहत मेडिकल सर्टिफिकेट अनिवार्य नहीं है, आप विल बना सकते हो, वसीयत बना सकते हो मेडिकल सर्टिफिकेट के बिना, पर पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर के मेडिकल सर्टिफिकेट प्राप्त होने की सलाह हम नॉर्मल कोर्स में देते हैं, क्योंकि वसीयतकर्ता का मानसिक रूप से स्वस्थ होना और वो जिंदा है क्या मरा हुआ था इसके बारे में जो आरोप होता है उससे वो बच सकता है। कानून के तहत वसीयत बनाने समय डॉक्टर के प्रमाण पत्र प्राप्त करते जब रजिस्टर के पास जाते, सब रजिस्टर को रजिस्टर करने, विल का रजिस्ट्रेशन करने, तो वो मांगते, बहुत बार नोटरी भी मांग लेते, क्योंकि नोटरी नहीं चाहते भाई अगर डॉक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको ही बताना पड़ता है, ही इज द विटनेस सेइंग दैट कि भाई आदमी अच्छा था, जिंदा था, वो बोला मैं क्यों लूं भाई जिम्मेदारी, डॉक्टर का सर्टिफिकेट लो। अब वसीयत की हस्ताक्षर करने पर वसीयतकर्ता और गवाह डॉक्टर के सामने ही उपस्थित होने चाहिए, इसकी जरूरत नहीं। डॉक्टर यह नहीं बोल सकते कि मेरे सामने साइन करूं तो मैं सर्टिफिकेट देता हूं, भाई कल वसीयत बना रहे हो, आज आप मेडिकल सर्टिफिकेट लेके वो कल के वसीयत में लगा सकते हो, सुबह वसीयत किए शाम को डॉक्टर का सर्टिफिकेट ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसी दिन का चाहिए। जब वो विल बनाया था तो वो आदमी अच्छा था, अच्छा खासा था, ये होना चाहिए। अब डॉक्टर वो कंपल्सरी नहीं कर सके मेरे सामने साइन करो। अब मेडिकल सर्टिफिकेट में क्या होना चाहिए, तो मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं कि फलाना फला श्रीमान या श्रीमती उम्र ये अपनी वसीयत करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से फिट है। तो डॉक्टर सर्टिफिकेट क्या है, आई हेयरबाय सर्टिफाइड दैट स्वयं सो पर्सन एज स्वयं सो इज फिजिकली एंड मेंटली फिट टू मेक हिज विल। अब उसके ये जो शब्द है ये डॉक्टर अपने लेटर हेड पे लिख के देंगे, वो उसके ऊपर हस्ताक्षर करेंगे, मोहर लगाएंगे, यही वो मेडिकल सर्टिफिकेट है जो वसीयत को लगाना है। आज का विषय, वसीयत बनाते समय मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए कि नहीं चाहिए, क्यों चाहिए, इसके बारे में था। ऐसे अलग अलग विषय आपके सामने रखता हूं, अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ लेके आऊंगा, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।